इस बार का चुनाव प्रचार इस बात के लिए भी जाना जाएगा कि जो इक्वेशन आपके और ममता बनर्जी के बीच में इस बार दिखाई दी, वो काफ़ी उसमें कड़वाहट देखने को मिली। जब उनके भाषण सुनते हैं तो बहुत कड़वाहट है आपके लिए। आपका फ़ोन भी उन्होंने लिया नहीं जब आपने साइक्लोन के लिए उनसे बात करने की कोशिश की। ये ममता बनर्जी के साथ ही आपकी क्या समस्या है? अच्छा होगा कि आप ममता बनर्जी का, अब जिन जिन लोगों के साथ उन्होंने काम किया उन सबका हिसाब लगा लीजिए। ममता बनर्जी ममता बनर्जी है। क्या भारत का संविधान ये कहने की अनुमति देता है क्या कि मैं फलाने को मेरा प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं हूं? अब नेता मानने को तैयार नहीं है कह सकते हो, इज नॉट अ लीडर, लेकिन प्रधानमंत्री तो संवैधानिक व्यवस्था है। आपको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री दिखता है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री न दिखे तो ये संविधान के पर अविश्वास का की अभिव्यक्ति है। आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री को अपने यहाँ हेलीकॉप्टर लैंड न करने दे, आप हैरान हो जाएंगे। मेरी कल सभाएं हैं दो बंगाल में, कल शाम तक मेरी सभा की परमिशन नहीं दी गई, पब्लिक मीटिंग है। आप मेरे कार्यकर्ता टेंट कहाँ बांधेंगे, पैंडल कैसे लगाएंगे, नहीं दी उन्होंने। इलेक्शन कमीशन के सामने हमारे लोगों को जाकर के बहुत बड़ा प्रदर्शन करना पड़ा, तब जाकर के कल रात को 9 बजे परमिशन मिली है। दूसरा क्या करते हैं, जहां भी हमारी पब्लिक मीटिंग होती है मेरी और मेरे और साथियों की, उसके 200 किलोमीटर के रेडियस में ये जो माइक वाले होते हैं या कुर्सियां किराए पर देते हैं या टेंट लगाते हैं, उन पर वहाँ उनकी अफसर जाकर के परेशान करते हैं कि ये सभा है, आपका सामान जाएगा तो आप यहाँ रह नहीं पाओगे। तो हमारे लोगों को 200-300 किलोमीटर दूर से मटेरियल लाना पड़ता है, तो वो भी हमारे सामने दिक्कत है। मुझे प्रॉब्लम जी ममता जी या टीएमसी नहीं है, बंगाल की बर्बादी बहुत गंभीर समस्या पैदा करेगी, देश के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करेगी, और इसलिए मैं मानता हूं कि बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा देश को। ये देश के संविधान के सामने खतरा है, इस प्रकार की सोच, इस प्रकार के व्यक्तित्व, ये सामान्य चीजें नहीं है जी। आप लोगों के दिमाग में चुनाव भरा पड़ा, इसके कारण इतनी बड़ी देश की बर्बादी उसको आपने चुनाव में सबमिट करके और मोदी और उसके साथ जोड़ करके देख रहे हो, बहुत नुकसान हो रहा है देश का। चुनाव ही नहीं, आप देखिए साइक्लोन आया उड़ीसा में और हमने उसी एक साइक्लोन पर दो अलग अलग मुख्यमंत्रियों को देखा। नवीन पटनायक को देखा, उनकी आपके साथ इक्वेशन देखी कैसे उन्होंने आपके साथ वो गए दौरा किया उन्होंने, और ममता बनर्जी को देखा। यानी एक साइक्लोन और दो अलग अलग मुख्यमंत्रियों के अलग अलग रुख उस पर, तो संघीय ढांचा है भारत, ऐसे में एक प्रधानमंत्री के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये अगर हमारे देश में यहाँ जो अपने आप को बड़ा विद्वान मानते हैं, जो आप बोल रहे हैं, उतनी गंभीरता से सोचेंगे चर्चा करेंगे तो देश का भला होगा, लेकिन नहीं करते हैं जी। उनके दिमाग में चुनाव और व्यक्तित्व और अहंकार, ये बिल्कुल प्योरली संवैधानिक इश्यू है जी। फेडरल स्ट्रक्चर में हर एक की अपनी ड्यूटी तय है, आप इस ड्यूटी का पालन नहीं कर रहे। मेरी बात छोड़ दीजिए, उनके चीफ सेक्रेटरी ने, गवर्नर ने उनसे मांगा कि क्या क्या स्थिति है रिपोर्ट कीजिए। मेरे पास गवर्नर की चिट्ठी है, उसमें उन्होंने लिखा है, चिट्ठी लिख रहा हूँ, उसके 4 बजे तक मुझे स्टेट गवर्नमेंट ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है, बताइए। और नेचुरल कैलेमिटी में अब ये बंगाल के लोगों को भी सोचना पड़ेगा, और दिल्ली में आप जैसे लोग अपने आप को या जो लुटियन पंडित है उनकी बात है, सोचे तो भाई देश कहाँ ले जाओगे ऐसा करके। ये सही है कि आपने फोन किया था ममता बनर्जी को और उन्होंने उठाया नहीं या जवाब नहीं दिया? आपको शक है क्या मैं झूठ बोलूंगा क्या? नहीं नहीं, मैं तो आपसे कंफर्म कर रहा हूँ कि ऐसा ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री फोन करे और मुख्यमंत्री जवाब ना दे। मेरे लिए वो मैं ऐसी चीज इश्यू नहीं बनाता हूँ। ये भी क्यों हुआ, ये बाहर क्यों आया, उनके यहां से ट्वीट हुआ उनके एक नेता के द्वारा। ट्वीट क्या था कि मोदी ने फेडरल स्ट्रक्चर की अपमान ना की है, क्योंकि मोदी ने गवर्नर के साथ बात की, मुख्यमंत्री से नहीं की, क्योंकि मैंने
नवीन बाबू से बात की, उड़ीसा के गवर्नर से बात की, यहाँ के मुख्यमंत्री को फोन लगाया, यहाँ के गवर्नर को लगाया, गवर्नर से बात हो गई, तीन के नाम का मैंने ट्वीट किया, चौथे से हुई नहीं थी, मैं कैसे करूंगा। उसको उन्होंने ये बताया कि मोदी ने जानबूझ के मुख्यमंत्री को साइड ट्रैक किया है। तब जाकर के मुझे पब्लिक में जाकर के कहना पड़ा, सरकार की तरफ से बयान गया कि भाई सही नहीं है, प्रधानमंत्री ने इतनी बार ट्राई किया था।